चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस्मान बज़दार के हवाले से मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है, उस्मान बज़दार मुस्तफ़ी हो जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बज़दार को ओहदे से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि वो कहते हैं कि खुद ही इस्तीफ़ा पेश कर देंगे कि मेरे लीडर पर बहुत प्रेशर है। मारूफ सहाफ़ी का नया इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सहाफ़ी मुहम्मद मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जिनकी बातें सुनते हैं, इनका कहना है कि उस्मान बज़दार को वजारत आला से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि वो खुद मुस्तफ़ी हो जाएंगे। प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगु करते हुए मोहम्मद मलिक का कहना था कि उस्मान बज़दार से ओहदा लेने के लिए जो तरीका कार अपनाया जाएगा वो ये है कि उस्मान बज़दार को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि वो खुद इस्तीफ़ा दे देंगे। उस्मान बज़दार का कहना था कि मैं इस्तीफ़ा इस वजह से दे रहा हूँ कि मेरे कायद के ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है और पार्टी के अंदर भी बहुत इशू हैं। उस्मान बज़दार का मज़ीद कहना था कि मैं चाहता हूं कि मेरे लीडर शर्मिंदा ना हों, इसलिए मैं इनके लिए, सूबे के लिए और पाकिस्तान के लिए इस्तीफ़ा दे दूंगा। इससे पहले भी मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद मलिक ने कहा है कि वज़ीर आला उस्मान बज़दार को तब्दील करने के लिए काम हो रहा है। इस वक्त पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पंजाब को चलाने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की अयाशी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान को सही फ़ैसला करने की ज़रूरत है। पीटीआई के अंदर भी ये बात चल रही है कि हुकूमत दुरुस्त सिमत को नहीं जा रही। लीडर का काम ये नहीं होता कि वो लोगों के दरमियान आकर कहे कि मैं काम सीख रहा हूँ। मोहम्मद मलिक ने कहा कि ये तासीर गलत है कि मीडिया वज़ीर आला पर इसलिए तनकीद कर रहा है कि इनका तल्लुक जनूबी पंजाब से है। अगर पंजाब मुल्क होता तो आबादी के लिहाज से दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता, इसलिए कि इंतज़ामी अमवार पर चलने के लिए एक सुलझा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। वाज़ह रहे कि वज़ीर आला उस्मान बज़दार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो इतना बड़ा सूबा संभालने के अहल नहीं हैं, क्योंकि इनमें खुद इत्मादी की कमी है और पंजाब जैसे सूबे को संभालने के लिए किसी तजर्बाकार आदमी की ज़रूरत है। ताहम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कई बार वाज़ह तौर पर कहा है कि उस्मान बज़दार वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इमरान खान हर मौका पर उस्मान बज़दार का दफा करते हुए नज़र आते हैं, यहाँ तक कि इन्होंने उस्मान बज़दार को वसीम अकरम प्लस करार दे दिया और तब्दीली की अलामत करार दे दिया। ताहम वज़ीर हाउसिंग पंजाब महमूद अल रशीद का कहना है कि उस्मान बज़दार को बतौर वज़ीर आला तब्दील करने का कोई चांस नहीं है। मारूफ सहाफ़ी ने दावा किया है कि वज़ीर आला उस्मान बज़दार को ओहदे से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि वो खुद कहते हैं कि मैं मुस्तफ़ी हो जाऊँगा। और मारूफ सहाफ़ी का ये भी कहना था कि उस्मान बज़दार चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर मज़ीद प्रेशर ना डाला जाए। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल की तस्दीक आप उर्दू पॉइंट वेबसाइट से भी कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस ताज़ा खबर से आगाह करना था। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी।